हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरी जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से रात्रि के समय हम आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें बचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज बरकत देंगे, आज हमें आशीष देंगे। हम विश्वास करते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ हम आपके चरणों में आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखेंगे। आज हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर एक प्रकार के डिप्रेशन से आप हमें संभाल के रखेंगे। आपने मेरे बच्चे को, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, आपने मुझे और हर एक मसीह भाई बहन को आपने संभाल कर रखा, आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें चुना है, इसीलिए बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास करते हैं तो इस प्रार्थना को अंत तक करिएगा, ताकि आज आप प्रभु की महिमा कर सके और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि और लोग जुड़ सके, और लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और परमेश्वर की महिमा हो सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप जितना परमेश्वर के वचन को बढ़ाओगे, जितना प्यार दोगे परमेश्वर के वचन को, उतना ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष देगा। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन इस वीडियो को शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं किसके लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए क्या करना है। आज परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो खुदा मिटाने जा रहा है। आपको परमेश्वर ने एक नई उम्मीद दी है, एक नया किरण दिया है, एक नया प्रकाश दिया है परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है कि परमेश्वर मेरा खुदा मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के कर्जे से, श्राप से मुझे मुक्त करेगा, मुझे आजाद करेगा। यदि आज आपके पड़ोसी आपसे जलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे ठीक करूंगा। यदि आज आपके पड़ोसी आपसे जलते हैं, आपसे जलन रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं कि जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम होती, बहुत सारी दिक्कतें होती। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है। नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदा हम आपके चरणों में आते हैं। इस शाम के वक्त हम एकत्रित हैं पिता अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ। यदि आज आप अपने बच्चों के जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, हर एक माता पिता अपने बच्चों के जीवन में आशीष देखना चाहता है, खुशियों को देखना चाहता है, वो अच्छे मुकाम पे जाए, बड़ी ऊंचाइयों तक जाए, इसीलिए उसको ज्ञान की आवश्यकता है, उसे बुद्धि की आवश्यकता है, वो परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर ने कहा जिसे ज्ञान की कमी हो ज्ञान मांगे, जिसे बुद्धि ज्ञान की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर बिना उलाहना दिए परमेश्वर देता है। इस बात को याद रखना, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको ताकत करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण करेगा। यदि आज आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करिए। बहुत मसीह भाई बहन होते जो कमेंट करते ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है प्रार्थना करने के लिए। यदि आज आपके पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर के लिए आपकी जिंदगी में कोई समय नहीं है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मुझे मन नहीं दे सकता अपना, जो मुझसे प्रार्थना नहीं कर सकता, अपने घुटने को नहीं टेक सकता मेरे सामने और मुझसे मांगेगा नहीं, जब तक आप अपने पिता से, एक बात को हमेशा याद रखिए, जब आपके पिता संसारिक पिता होकर के जो हैं वो लोग, जब उनसे जब मांगते हैं, कुछ कहते हैं, तभी तो आपको देते हैं। जब आपको प्यास लगती है तब तो आप पानी को मांगते हैं ना, जब आपको भूख लगती है तो आप खाने को मांगते हैं, आप भोजन मांगते हैं। तो उसी तरीके आपको अपने पिता से, अपने परमेश्वर से मांगना होगा कि हमें पिता दीजिए, आज मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, मुझे ये चाहिए पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपका बेटा हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर की मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, मैं
अपने आंसू, जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर ना सुने तो आपको अपने आंसुओं भिगोना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आपके आंसू बहाने से हर प्रकार का दिल का बोझ आपका हल्का हो जाएगा। यदि आप चिंतित हैं, आज परेशान हैं, अपने आंसुओं को भगा भिगो कर देखिए, अपने आंसुओं को बहा करके देखिए, आज आपके दिल की हर प्रकार की जो बोझ बड़ी बड़ी बातें हैं आज वो आपके बोझ एकदम हल्का हो जाएगा यीशु नासरी के नाम से। आज जो आपने माइंड में अपनी चिंता रखे हुए हैं, डिप्रेशन की बातें रखे हुए हैं, सब सजा करके एक तरफ रखें, तो परमेश्वर का वादा आपसे करता है कि तू अपनी ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होगा, तू अपनी ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ आपको परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर ही मेरी रक्षा करता है। इस बात को याद रखना, दाऊद ने हमें समझाया है, दाऊद बाबा जिस तरीके हमें समझाते हैं उस तरीके हमें समझने की ज़रूरत है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा सहारा और तू ही मेरा भरोसा है और तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा और मेरी कोई भलाई नहीं कर सकता है और ना ही और कहीं हो सकती है। इस बात को याद रखना, यदि आज आप अपनी ज़िंदगी में चंगाई को पाना चाहते हैं, यदि आज अपनी ज़िंदगी में हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद होना चाहते हैं, हर प्रकार के कर्जे से, हर प्रकार के टोने टोटके से जो आपके घर में आपके आस पड़ोस के लोग करते हैं उससे आज आज़ाद होना चाहते हैं, तो परमेश्वर आज आपको संभालने जा रहा है, वो आज आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको संभालने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर से कहिए कि तू ही मेरा सहारा और तू ही मेरा भरोसा है। पिता यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता हम आपके चरणों में आते हैं कि पिता आज हमें संभाल के रखेंगे, आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, ताकत देंगे। इसीलिए खुदावन यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं पिता कि आज मेरे घर में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मेरे घर को संभाल, मेरे परिवार को संभाल, मेरे बच्चों को, मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को संभाल कर रखे। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं खुदा कि आपने हमें संभाला, आपने हमें चंगाई दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं कि आज मेरी ज़िंदगी में आज पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी के लोग जितने भी मसीह हैं, जितने भी भाई बहन जो आप पर यकीन करते हैं, जो आप पर ईमान लाते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिबाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर, इनकी ज़िंदगी में चिंताएँ हैं, इनको नींद नहीं आती पिता यीशु नासरी के नाम से, इनकी ज़िंदगी में सुख की नींद आए पिता परमेश्वर ने कहा है। इसीलिए जो बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिबाव के साथ अगर प्रार्थना को करते हैं और दृढ़ निश्चय करते हैं कि खुदा आज मेरी ज़िंदगी में मुझे बरकत देगा, मुझे आशीष देगा, तो उसका विश्वास पक्का है और परमेश्वर विश्वास में चलता है। और परमेश्वर किसी की शक्ल और सूरत नहीं देखता, ना ही वो किसी का नाम देखता है, केवल उसके दिल में कितना विश्वास है परमेश्वर इतना केवल देखता है। इस बात को हमेशा याद रखना, परमेश्वर कोई परमेश्वर किसी के नाम को नहीं देखता है, उसके विश्वास को देखता है। यदि आज आप विश्वास करते हैं तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, अपना नाम लिखिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए महिमा परमेश्वर के लिए कर सके और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आशीष दे सके और परमेश्वर की आशीष को अपनी ज़िंदगी में आप पा सके। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने किस तरीके से हमें समझाया है कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, हे मेरे ताकत, मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दाऊद ने यहाँ पे क्या कहा कि हे परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा सब कुछ है। यीशु नासरी के नाम से यदि आज परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, उसी को मानते हैं कि मेरी ताकत है, मुझे ज्ञान है, मुझे बुद्धि है, मुझे ताकत है यीशु नासरी के नाम से, तो आज मैं आपकी महिमा करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आप कहिए परमेश्वर के सामने कि मैं पिता आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो घटनाएं हैं, जो घटी और कमी है, आपके बच्चे के जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, आपके हर एक कामों को नहीं करते हैं, जो आप बताए हुए अनुसार आपके नहीं करते हैं, बहुत बिगड़ चुके हैं, तो परमेश्वर उनको आशीष देने जा रहा है। उनके नाम लिखिए, उनके कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि उनके लिए दुआ कर सकें, उनके लिए प्रार्थना कर सकें। हर एक
मसीह भाई बहन जिस समय वचन को सुन रहा है, बड़ी हिम्मत के साथ आपको सुनना होगा, बड़े हिवाव के साथ आपको सुनना होगा, ताकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं भरोसा रखता हूँ वही मेरा परमेश्वर है, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति की सींग को ऊंचा करने वाला मेरा खुदा है। आज वो आपके सर को ऊंचा करने जा रहा है, आपकी बेटी की जिंदगी में उसको बड़ी जॉब देने जा रहा है, उसको बड़ी नौकरी देने जा रहा है, उसको बड़ा बिजनेस होने वाला है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के जो मामले चल रहे हैं आपकी जिंदगी में, वो सबसे परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाकर जा रहा है, आपके सर को ऊंचा करने वाला वो खुदा आज आपके साथ है। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े भरोसा के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, मेरी जिंदा जीवित हो। पाना चाहते हैं आप, अच्छा पेड़ बनना चाहते हैं, तो आपके बच्चे जो होंगे उसमें अच्छे फल आएंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सके और परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार दे। तो यहीं पर परमेश्वर ने कहा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ जो अच्छा फल लाए। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, ना झड़बेड़ी से अंगूर को तोड़ते हैं। भला मनुष्य अपने मन में भले ही भंडार में भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन में बुरे भंडार की बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है या मुंह से निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेड़ मजबूत हो, अगर आप मजबूत रहेंगे, आपके बच्चे अच्छे फल होंगे, अच्छी तरीके से आप उनकी परवरिश कर पाएंगे, उनकी देख रेख कर पाएंगे, उनको अच्छी तरीके से उनके जीवन में ग्रोथ होगा, उनको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, उनको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जैसा पेड़ वैसा फल होगा, क्योंकि जैसे आप होंगे वैसे आपके बच्चे होंगे। अगर आप अपने बच्चे के जीवन में अच्छा खुशहाल देखना चाहते तो अपने बच्चे का नाम लिखिए, और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, अपने जॉब के लिए, सभी के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए आए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने आए, परमेश्वर आपको प्यार करता है। आज उससे प्यार आपको करना होगा। आज अपने घुटने टेक करके प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। राजा हिजकिय्याह जिस तरीके से किया था, और बहुत सारे लोग ऐसे मसीह थे जिन्होंने किया, जिन्होंने प्रार्थना की, विनती की, और परमेश्वर ने हन्ना की जीवन की घटना को जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ हमें वहाँ देखने को सुनने को मिलता है। राजा हिजकिय्याह की जीवन की घटना को हम जब देखें तो हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की, उनके समाज को, उनके घर को, उनके परिवार को, और उसको बचाया परमेश्वर ने। इसीलिए आज भी परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपके बच्चे को अच्छा ज्ञान देना चाहता है, अच्छी बुद्धि देना चाहता है, अच्छी समझ देना चाहता है। आप पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए रबी सुमसी ने कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मैं तेरे जीवन में काम करूं? और तुम मुझे कहते हो, हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें नहीं देता, मुझे मेरे जीवन में कार्य नहीं करता, मेरे कार्य सफल नहीं होते। आज के बाद आपके हर एक कार्य सफल होंगे। अगर आपने विश्वास किया, धैर्य रखा, भरोसा रखा, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए कहा कि दोष मत लगा ना किसी को, पर अगर तुम क्षमा नहीं कर सकते हो तो जरूर आपको क्षमा करना चाहिए। अगर आपके अंदर क्रोध है, जलन है, ईर्ष्या है, तो इसे हटा दो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी लोग हैं इस समय, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता जिनके अंदर दया ना हो, जिनके अंदर नम्र ना हो, जो लोग दीन ना हो, उनसे परमेश्वर प्यार करता है। अगर आपके अंदर दया नहीं है, अगर आप दूसरों पर दया नहीं करते, दूसरों की मदद नहीं करते, दूसरों पर देख करके तरस नहीं खाते, तो परमेश्वर आप पे तरस कभी नहीं खाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी हैं आप परमेश्वर के चरणों पे आकर के अपने घुटने को टेक करके आज अपने परमेश्वर से मांगिए कि पिता परमेश्वर, इस समय मेरे जीवन में जो भी घटी है और कमी है, परमेश्वर उसको ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा ब्लेसिंग कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो परमेश्वर।
आपकी बड़ाई हो। आपने पिता परमेश्वर कहा है, धन्य तो जो दीन दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य तुम जब अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य तुम जब अब रोते हो तुम हंसोगे हंसोगे। अगर आप रोते हो तो परमेश्वर आपकी जीवन में खुशियां लाने जा रहा है। अगर आप चिंतित है तो परमेश्वर आपको ढेर सारा ब्लेसिंग करने जा रहा है। अगर परमेश्वर ने कहा है धन्य जो तुम अब रोते हो क्योंकि हंसोगे, धन्य तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा मन नाम बुरा जान करके काट देंगे। परमेश्वर ने कहा है तुम्हें समाज से निकाल देंगे, लेकिन आपको चिंता नहीं करना, आपको डरना नहीं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके साथ हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर आपके साथ बैठा रहता है। इसीलिए परमेश्वर हमें संभालेगा, वो हमें ताकत देगा, वो हमें ज्ञान देगा, वो हमें बुद्धि देगा। हमें वो ताकत देने वाला हमारा चिंता जीवित वह परमेश्वर है। आज जिनका मन नहीं करता वो प्रार्थना को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनका मन करता है वो प्रार्थना करे क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारा चमत्कार होने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां होने वाली है। उनको परमेश्वर हर प्रकार के केस से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार के घर की समस्या से सॉल्व करने वाला हमारा चिंता जीवित हो परमेश्वर आज हमारे सामने खड़ा है। उसने कहा तुम शत्रुओं से प्रेम करो। क्यों? परमेश्वर ने हमें शत्रुओं से प्रेम करने के लिए सिखाया है क्योंकि हमारे अंदर दया होनी चाहिए, तभी हम शत्रु से प्रेम कर सकते हैं, अपने दुश्मन से प्रेम कर सकते हैं। अगर जिस दिन हम अपने दुश्मन से प्रेम करना सीख लिया उस दिन परमेश्वर कहेगा तूने जीत लिया है, तूने जीत लिया है मुझे। इसीलिए परमेश्वर कहता है जिस दिन अपने शत्रुओं से प्रेम करना छोड़ देगा, चाहे वो आपके घर में हो, आपके पति और पत्नी के बीच में हो, आपके घर के परिवार में सदस्य में लोगों में, भाई भाई में हो, बहन बहन में हो, किसी में भी हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो कि जो आपसे नहीं बोलता है और आप उससे नहीं बोलते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम उससे बोलो, उससे प्यार करो, उससे बातें करो, उससे माफी मांगो। अगर आपने गलती की है तो परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार देगा, ढेर सारा ब्लेसिंग देगा। इसीलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आप संभालेंगे, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा परंतु मैं तुम्हें तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुमको श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे और तेरी दो छीम, किस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुदरता की। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें ध्यान देना है, यहाँ पर लेने से भी ना रोक, परमेश्वर का वचन कहता है। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले, परमेश्वर का वचन कहता है, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रख करते हो तो इसमें क्या बड़ाई है, परमेश्वर ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर हम अपने घर वालों से ही प्रेम करते हैं तो इसमें क्या बड़ाई है। अपने दुश्मन से प्रेम करो जो तुम्हें श्राप देता है, जो तुम्हें मारने के लिए करता है, जो तुम्हें तका रहता है मारने के लिए, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने के बारे में सोचता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुआ करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें तभी संभालूंगा, तभी मैं ज्ञान बुद्धि और समझूंगा जब तुम दयावंत बनोगे, जब तुम दीन बनोगे, लोगों पर दया करोगे और दयावंत बनोगे, और दूसरों के जीवन को देख करके आप परमेश्वर से कहना कि पिता आज मैं अपने शत्रु को क्षमा करता हूँ पिता, और इसको संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि ये मेरे प्राण का खोजी है, मेरे घर का, मेरे समाज का, मेरे देश का। तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेसिंग करेगा, वो जरूर आपको आशीर्वाद देगा परमेश्वर। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक होंगे। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय बीमार हैं, जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं। बड़े युवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आज मेरे घर में जो बिलखते हुए हैं, जो रोते हुए हैं, जो इस समय चिंतित हैं पिता परमेश्वर, भटक रहे हैं, इनको कोई मार्ग नहीं मिलता पिता परमेश्वर, इनके बच्चे को कोई आशीर्वाद पिता परमेश्वर,
किसी तरीके की आशीष नहीं मिलती, लेकिन पिता आज इनको आप आशीष देने जा रहे हैं, इनके बच्चों को आशीष देने जा रहे हैं, जो अपने बच्चे के नाम लिखते हैं, जो बताते हैं कमेंट के माध्यम से पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक चीज की परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, आप तो हर एक चीज को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को देने वाले पिता आप हैं। आपके चरणों पे आकर के हम अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आज आप हमारे साथ है पिता परमेश्वर, परमेश्वर आज हमें आज परमेश्वर में ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले पिता परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके बेटे और बेटियां विश्वास करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, क्योंकि आज इनके जीवन को आप देख रेख करने वाले, छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर दूर करने वाले हैं, क्योंकि आप पिता परमेश्वर महान हैं, आप दयावंत हैं पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, आप इनको चंगाई देने चाह रहे हैं। इनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये कर्जे से दबे हुए हैं, इनके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे से ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आज इनके जीवन में इनको ब्लेस कर, प्रभु इनके जो दुख हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, और ये शादी के लिए परेशान हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुलिस को कोर्ट के चेहरे कुछ भी इनके अंदर अगर चलता उनके घर में, परिवार में और इसके जीवन में हो, तो यीशु नासरी के नाम से आज चार्ज कर उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सत्कलम 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 सत्कलम, यीशु नासरी के नाम से जय यीशु नासरी के नाम से। इसके घर से कर्जे जय यीशु नासरी के नाम से। जिस समय ये रो रहा है पिता परमेश्वर, इसके घर में कर्जे बहुत है पिता परमेश्वर, ये दबा हुआ है पिता यीशु नासरी के नाम से। इसके बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है पिता परमेश्वर, ये हताश है, इस समय जो रो रहे पिता परमेश्वर उसके आंसू निकल रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो देखने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप हमें ज्ञान बुद्धि और समझ और ताकत देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। आप तो सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, आप तो प्रेमी हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं। इनके जीवन की हर एक चीज को परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक चीज को दे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके शैतान इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के संकट यीशु नासरी के नाम से छोड़ दी, के नाम से पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, ए मसीह, मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, और इनके अनेक प्रकार के अंगों में इनको पिता यीशु नासरी के नाम से दर्द है, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज्ञा देते हैं चतुर शैतान, वो चतुर शैतान जो आपके जीवन में काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर, जला दे यीशु नासरी के नाम से। इनके हर प्रकार की बीमारियों को जला दे यीशु नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा जला दे यीशु नासरी के नाम से, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध रोग, अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक, तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की बुखार, जुखाम, सर्दी, तमाम प्रकार के उनके जीवन में प्रॉब्लम्स है पिता यीशु नासरी के नाम से। हे पिता, उन्हें पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की रोगाणु जो विषाणु है उनसे सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। जिस समय चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने घर के जीवन को लेकर के, आर्थिक स्थिति हालात उनके सही नहीं, यीशु नासरी के नाम से उनके हर प्रकार के तमाम प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम से, कैंसर यीशु नासरी के नाम से जाए यीशु नासरी के नाम से, पेट में दर्द जाए यीशु नासरी के नाम से, सिर में दर्द यीशु नासरी के नाम से जाए यीशु नासरी के नाम से। आप विदम बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु नासरी के नाम से, आज आप चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज वो चंगे करने वाला आपके साथ परमेश्वर, आपके साथ जैसे पिता परमेश्वर, इनके बहुत सारी बीमारियां यीशु नासरी के, पथरी है पिता परमेश्वर, स्टोन है, कहीं भी किसी भी स्थान में वहां पे हाथ रख करके कहीं यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, इसी वक्त ये गल जाए यीशु नासरी के नाम से, वो स्टोन गल जाए यीशु नासरी के नाम से, वो स्टोन गल जाए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के बंधन, कर्जे, अनेक प्रकार के श्राप, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु, निर्बलताएं, तमाम प्रकार की जो खून की कमी बॉडी में आ चुकी है, जिन महिलाओं के, जिन माता पिता भाई बहनों के जीवन में बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, उसको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, उसको आशीष करने जा रहा है। उसके बॉडी में सूजन आ गई है, किसी प्रकार की सूजन है, खांसी है, अगर पीलिया की बीमारी यीशु नासरी के नाम से गांठ है पिता परमेश्वर, वो कब्ज है, सीट है, किसी प्रकार के पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, दमा है, मुहासा है, मधुमेह है, ज्वार है, चक्कर उसको आता है, चक्कर आता है उसको, यीशु नासरी के नाम से उसको आज ठीक करने जा रहा है।
बनाई सुनासरे के नाम से, प्लेस करी सुनासरे के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। सत्कलम 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 इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस। छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु और हर प्रकार की जो खुजली है, हर प्रकार के सिर में दर्द है, टीबी की प्रॉब्लम से, जो भी किसी प्रकार की नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, ब्लड प्रेशर हाई हो लो हो जाता है पिता यीशु नासरी के नाम से, काली खांसी आती है, निमोनिया है पिता परमेश्वर, घबराहट को उलझन को महसूस कर रहे हैं, गठिया है, हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, मानसिक रोग पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार के आपके दर्द दूर होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सत्कलम 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 इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से, इसके घर से जाए, इसके बेटे के जीवन से जाए, इसके बेटे के जीवन से जाए, इसके जॉब से जाए, इसके घर में जो शैतानी ताकत काम कर रही यीशु नासरी के नाम से। आप कहीं भी जाते हैं तो शैतान आपके जीवन पीछे पीछे करता है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए आज्ञा दीजिए। आप ही से मैं कह रहा हूँ जो अपने मन में सोच रहे हैं, आज्ञा दीजिए इसी वक्त की सुनासरी के नाम से, आप चंगे होने वाले, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली सुनासरी के नाम से। आप अपने मन में सोच रहे हैं, आप अपने मन में सोच रहे हैं, मन में नहीं, हमेशा अपने दिल की बातों को खोल करके परमेश्वर के सामने रखिए और उससे बताइए पिता परमेश्वर मेरे जीवन में ये घटी, ये कमी, ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत है, ये मुसीबत है। परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने वाला यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो कहीं भी किसी भी स्थान में बैठे यीशु नासरी के नाम, जिनके मन में चिंता हैं, जिनके मन में बहुत सारी प्रकार की सोच है और वो इस समय बहुत ओवरथिंकिंग सोच रहे हैं पिता परमेश्वर, रो रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे वो चाहें उनको चंगा करें, उनको ठीक करें यीशु नासरी के नाम से। आप चिंतित मत हो, आप परेशान मत हो, आप हताश मत हो, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, आपके बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी करने जा रहा है, आपके घर में परिवार में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चिंता मत करना, धैर्य रखना, भरोसा रखना, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत, बहुत सारा प्यार और ढेर सारा आपको परमेश्वर प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मैं दुआ करता हूं कि आप कहीं भी किसी भी स्थान में हो, परमेश्वर आपको संभाल कर रखे, आपके जीवन में बरकत दे और आपको खुशहाल रखे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, कि किसी भी स्थान में बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर इनको ढेर सारा प्यार दे पिता यीशु नासरी के नाम से। और आप जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग इससे इसकी प्रार्थना कर सके और अपने जीवन में परमेश्वर के प्रतिफल को पा सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने बारे में पूरे डिटेल्स के बारे में बताइएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, आपके लिए दुआ कर सकें कि आपके बच्चे के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, आपके घर में, आपकी नौकरी, बिजनेस, जॉब में किस तरीके की आप परमेश्वर से मदद पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार देगा अगर कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। अगर आप चाहते ही आपको अगर ऐसा लगता है कि डोनेशन देना चाहिए, दान करना चाहिए, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान कर सकते हैं। अगर आपको, अगर आपका मन है, आपका इच्छा है, तभी आप दान करें, अन्यथा आप परेशान मत होइएगा। अगर आपके पास बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का है तभी आप करें, या फिर और किसी माध्यम से आप कर सकते हैं तो आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भेज सक पाते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा बरकत दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।